Hello everyone, let's see the question. The question says that let f be a non negative function in closed interval 0 to 1 and twice differentiable in open interval 0 to 1 if integration 0 to 1 root under 1 minus f dash t whole square dt is equal to integration 0 to x f of t dt when x is between 0 to 1.

ये ओके okay? और एक्स जो है वो हमारे पास जीरो टू वन है एफ एफ जीरो जो है वो जीरो है तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं डिफ्रेंशियट कर सकते हैं इस इक्वेशन को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ओके बिकॉज जो हमारा ये फंक्शन बनेगा ये किसका बनेगा एक्स का फंक्शन बनेगा एक्स की इक्वेशन बनेगी ये ओके okay? तो हम क्या बोल सकते हैं ऑन ऑनडिफ्रेंशिएटिंग थ रेस्पेक्ट टू एक्स ओके एक्स के रेस्पेक्ट में हम किस क्या कर रहे हैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लैबनीज रूल लगाएंगे ओके okay? बोलता है देखना यहाँ से एफ एक्स टू जी एक्स है और यहाँ पे एच ऑफ टी डी टी है अंदर और इसका अगर हमको डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में तो हम क्या करते हैं देखो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे अ देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे ओके तो यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ एक्स जो है उसका डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में ओके एंड यहाँ पे एच ऑफ जी ऑफ एक्स रख देंगे और फिर माइनस इसका डेरिवेटिव जो नेक्स्ट है लोवर लिमिट उसका डेरिवेटिव कर देंगे एफ ऑफ एक्स और यहां से हम क्या कर देंगे सीधा सीधा जो है एच ऑफ जी ये जो ओके सीधा -सीधा तो, 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 तो इस रूल का हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो इस रूल को अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा देखो सबसे पहले एक्स का डेरिवेटिव किया तो वन आएगा सीधा सीधा और यहाँ से कितना आ जाएगा इसको इंटीग्रेशन का अब इसका क्या करना है हमको सीधा सीधा इसके अंदर क्या रख देना है जी रख देना है ओके? तो आ जाएगा। एफ डैश का होल कितना आ जाएगा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा ओके ये बन जाएगा हमारे पास में एफ ऑफ एक्स ओके इसको हमने क्या किया सिंप्लीफाई किया इसको अब अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा वन माइनस एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा ओके नाउ एफ डैश एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा रूट अंडर वन माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा ओके अब देखो यहाँ से हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं देखो एफ जो यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे क्या है एफ एक्स जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं डी एफ बाय से हो जाएगा डी एक्स ओके दिस इज इक्वल टू रूट अंडर वन माइनस एफ ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर बनेगा ओके okay? अब ये हमारे पास क्या बन गई एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो वेरिएबल सेपरेशन लगाएंगे और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसको वन अपॉन डी एफ अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा वन माइनस एफ ऑफ एक्स जो है उसका होल स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा ओके okay? यहाँ पे अब दिस इज कितना आ जाएगा Dx आ जाएगा अब इसको क्या कर सकते हैं इंटीग्रेट कर सकते हैं तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमको क्या मिलेगा यहाँ से साइन इनवर्स कितना ओके एंड ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस सी बन जाएगा ओके और हमको क्या गिवन है यहाँ से इंफॉर्मेशन कि एफ ऑफ जीरो जो है वो हमारे पास जीरो के इक्वल है तो एफ ऑफ जीरो अगर जीरो के इक्वल है तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं तो एफ ऑफ जीरो यहाँ पे साइन इनवर्स एफ ऑफ जीरो जीरो दिस इज इक्वल टू जीरो प्लस सी बनेगा और यहाँ पे साइन इनवर्स जीरो का वैल्यू कितना होता है जीरो तो सी का वैल्यू भी जीरो आ जाएगा तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एफ एक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओके एफ एक्स हमारे पास क्या आ गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ गया अब हम क्या करेंगे लिमिट रखेंगे देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो यहाँ पे वन अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा स्क्वायर uh, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में इंटीग्रेशन 0 टू x इंटीग्रेशन 0 टू x f ऑफ t तो साइन इनवर्स t dt आ जाएगा अब हमारा टास्क क्या है कि इस साइन इनवर्स t को हमको क्या करना है सॉल्व करना है इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स t जो है dt ये कितना बनता है ये हम देखेंगे सबसे पहले ओके okay. तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख देता हूं देखो इंटीग्रेशन सीधा सीधा हम साइन इनवर्स टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको हमने आई एज्यूम कर लिया तो अब यहाँ से इसको आईलेट से कर सकते हैं वन यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं तो वन तो हो गया फर्स्ट वन तो हो गया सेकंड और साइन इनवर्स हो गया फर्स्ट तो साइन इनवर्स टी को हमने क्या किया फर्स्ट एज्यूम किया तो साइन इनवर्स टी एज इट इज आईलेट के थ्रू और सेकेंड का क्या करते हैं हम वन का क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे माइनस अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस कितना आ जाएगा टी स्क्वायर ये आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस में सॉरी uh, मल्टीप्लीकेशन में कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन बनेगा एक्स और यहाँ से हो जाएगा डी तो देखो एक तो आ गया साइन इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा टी साइन इनवर्स यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे टी ही लगाते हैं ओके okay, ये टी ही लगाते हैं सब जगह वेरिएबल सेम रहना चाहिए ओके okay? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टी आ जाएगा साइन इनवर्स टी यहाँ पे टी साइन इनवर्स बन जाएगा माइनस इसको अब हम क्या करते हैं और फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 1 t2 को हम क्या अज्यूम कर सकते हैं u अज्यूम कर सकते हैं तो यहाँ से हमने क्या बोला माइनस का 2t dt जो है वो किसके इक्वल आ गया du के इक्वल आ गया तो t dt जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा माइनस का du 2k इक्वल आ जाएगा ओके okay? तो -du 2k इक्वल आ गया यहां से sin इनवर्स यहां से sin इनवर्स t बना साइन इनवर्स थी और यहाँ पे वन का कितना आ गया यहाँ पे टी आ गया माइनस इसका इंटीग्रेशन किया तो ये कितना बन जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ पे डी यू माइनस का डी यू यहाँ पे प्लस यह का हो जाएगा वन बाई टू डी यू बाय रूट यू बनेगा ओके okay? तो ये यू टू दी पावर माइनस हाफ बनेगा तो टी साइन इनवर्स थी और प्लस वन बाई टू यू टू दी पावर कितना हो जाएगा माइनस हाफ है तो यहाँ पे प्लस हाफ डिवाइडेड बाई प्लस हाफ तो वन बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा ओके okay. और u की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं u की जगह हम लिख सकते हैं t ओके इसकी में. अब यहां पे हमको सबसे पहले क्या रखना है सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या रखना है पाई जीरो जीरो टू पाई तो वन बाई एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जो है हमारे पास कितना है टी साइन इनवर्स टी और प्लस का वन माइनस टी स्क्वायर इसका क्या है रूट है ओके okay? ये है और यहाँ पे जीरो टू एक्स आएगा लिमिट तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो यहां से कितना आ जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर एक्स का वैल्यू रखा तो एक्स साइन इनवर्स एक्स और यहां से हो जाएगा प्लस यहां से रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर Uh, तो वन माइनस ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा माइनस अब जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वन हो जाएगा ओके okay? तो यहाँ पे हमारे पास टर्म आ जाएगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स और प्लस यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर टू दावर हाफ माइनस वन हो जाएगा अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ये हमारे पास टर्म्स अलग है ओके okay? देखो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक तो ये टर्म आ गया और प्लस ये वाला टर्म जो बनेगा ये कितना बन जाएगा हमारे पास इसको हम क्या करेंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से ओपन कर देंगे तो वन प्लस यहाँ से हो जाएगा वन माइनस वन बाई टू और ये एक्स स्क्वायर और फिर कितना हो जाएगा यहाँ से प्लस ये वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस वन बाई टू डिडेड बाई फैक्टोरियल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओके okay? और प्लस डैश डे डैश नेगेटिव में आएगा और डैश डे डैश इन्फिनी तक जाएगा और माइनस वन है ही है हमारे पास ओके okay? तो ये बनेगा हमारे पास टर्म सो लिमिट ये तो हमारे पास वन गया स्टैंडर्ड लिमिट वन ओके okay? प्लस ये वाली जो टर्म है आगे वाली इसको हम क्या करेंगे वन uh, से वन कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर तो दोनों के नीचे ही है ही ये यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है ही है तो एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पे पुट किया तो ये कितना आ जाएगा माइनस हाफ आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे बाकी सारे टर्म जीरो तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये वन बाई टू हमारे पास में क्या आ जाएगा इसका वैल्यू आ जाएगा ओके okay. तो वन बाई टू होगा वो हमारा क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा ओके okay. तो हमको यही पूछा था इसका वैल्यू कितना होगा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा वन बाई टू ओके सो वन बाई टू इज़ द आंसर आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल थैंक यू